जय माता दी। वैष्णो देवी से जुड़ी हर लेटेस्ट जानकारी जानने के लिए सब्सक्राइब करें डिवोशनल पॉइंट और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। जय माता दी। डिवोशनल पॉइंट एक बार फिर से आप सभी भक्तों के लिए नई उदास वीडियो लेकर हाजिर है। अगर आप श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर दर्शन करने जा रहे हैं तो आप भक्तों को यात्रा से जुड़ी तमाम जानकारी जरूर जान लेनी चाहिए, जिससे कि आप यात्रा पर जाने में कोई भी संकोच ना करें, आपको यात्रा पर कोई भी दिक्कत ना हो। तो बढ़ते हैं वीडियो में, अगर बात करते हैं ताजा जानकारी के बारे में। आप भक्त जो सामने नजारा देख रहे हैं, बाणगंगा मार्ग का नजारा है, जहाँ पर भक्तों की चहल पहल साफ देखी जा सकती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कितने भक्त माता रानी की यात्रा पर फिलहाल जा रहे हैं। प्रतिदिन 25,000 से भी ज्यादा भक्त दर्शन करने के लिए फिलहाल वैष्णो देवी यात्रा पर जा रहे हैं। सामने त्रिकुटा पर्वत का नजारा भी आप देख सकते हैं। माता इनके भवन पर जाने वाले भक्तों को दर्शन बहुत अच्छे हो रहे हैं, यानी कि अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको दर्शन करने में कोई भी दिक्कत आएगी। हालांकि यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी भक्त कटरा रेलवे स्टेशन या फिर जम्मू रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहे हैं बाय ट्रेन या फिर बस के माध्यम से या फिर अपने निजी वाहन के माध्यम से जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, उन सभी से कोरोना जांच पूछी जा रही है। यानी कि अगर कोई भी भक्त पहले कोरोना जांच करा कर आए अपने राज्य से तो उन्हें कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, उन्हें दोबारा कोरोना जांच भी नहीं करानी पड़ेगी। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह है, टेस्ट कराने से 72 घंटे के भीतर आपको जम्मू कश्मीर में एंटर हो जाना है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। जो बच्चे 10 साल से कम उम्र के हैं उन्हें कोई भी टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा उम्र के बच्चों को टेस्ट कराने की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है। देख सकते हैं माता इनके बाणगंगा मार्ग पर कितना सुहावना मंजर देखने के लिए मिल रहा है। माता इनके दर्शनी द्वार का नजारा आप देख रहे हैं, भक्तों की चहल पहल यहाँ भी देखी जा सकती है। रोजाना माता रानी की यात्रा पर 25,000 से ज्यादा भक्तों की चहल पहल देखी जा रही है। वहीं कटरा परिसर में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ रोजाना देखी जा रही है। आप भक्तों को बता देना चाहता हूँ, अगर आप वैष्णो देवी यात्रा पर जा रहे हैं आपको घोड़े खच्चर पिट्टू पालकी की सुविधाओं का पूर्ण लाभ मिल जाएगा। अब हम बाणगंगा मार्ग के पास पहुंच गए हैं, जहां पे माता रानी की पवित्र बाणगंगा बहती है। जो भी भक्त माता रानी की यात्रा पर आते हैं जरूर बाणगंगा में नहाना नहीं भूलते हैं। यहाँ पर स्नान करने से न सिर्फ भक्तों की थकान मिट जाती है, साथ ही माना जाता है कि भक्तों को पवित्र महसूस होता है। तो कहीं ना कहीं अगर माता रानी की यात्रा पर जा रहे हैं तो जरूर बाणगंगा में स्नान करना करते भी ना भूले। आप भक्तों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, फिलहाल वैष्णो देवी यात्रा पर बच्चे हो या फिर बुजुर्ग, सभी यात्रा पर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। ऐसा कतई भी नहीं है कि छोटे बच्चों या फिर बड़े बुजुर्गों को लेकर कोरोना महामारी के चलते किसी भी तरीके से प्रतिबंध यानी कि रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, ऐसा कतई भी नहीं है। तो आपको डरना ही नहीं है, माता रानी का बुलावा आया है तो आपको जरूर माता रानी दर्शन भी देगी। आप देख सकते हैं अर्धकुंवारी मंदिर परिसर के पास में कितनी ज्यादा भक्तों की भीड़ है। आप भक्तों को बता देना चाहता हूँ, फिलहाल अर्धकुंवारी मंदिर में अगर आप दर्शन करना चाहते हैं, गुफा में जाकर माता रानी के पवित्र दर्शन करना चाहते हैं, जिसे हम गर्जुन गुफा के नाम से भी जानते हैं, तो भक्तों को 24 घंटे से ज्यादा समय का यहाँ पर वेट करना होता है। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भक्तों की भक्ति माता रानी में कितनी बनी हुई है। भक्त यहाँ पर दर्शन करते हैं और आगे भवन की ओर प्रस्थान करते हैं। सामने आप रास्ता देख रहे हैं जो कि हाथी मत्था का मार्ग है। इससे कुछ ही भक्त ऐसे होते हैं जिन्हें जानकारी नहीं होती है और माता रानी के भवन की ओर हाथी मत्था मार्ग से बढ़ जाते हैं। आप भक्तों को यहाँ पर याद दिला देना चाहता हूँ, माता रानी की यात्रा पर फिलहाल काफी कोहरा, धुंध या फिर ठंड भी देखी जा रही है, बारिश भी देखी जा रही है। तो अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं अपने साथ ठंड के कपड़े ले जाना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे न सिर्फ आप भक्तों की यात्रा सफल बनेगी साथ ही आप किसी भी दिक्कत से बचेंगे। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा खास ख्याल उन माँ बाप को रखना है, उन परिजनों को रखना है जिनके साथ बड़े बुजुर्ग या फिर छोटे बच्चे जा रहे हैं। वहीं वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम पहुंच चुके हैं माता रानी के भवन परिसर में। आप देख सकते हैं माता रानी के भवन परिसर में भी भक्तों की चहल पहल देखी जा सकती है, साथ ही माता रानी का पवित्र व प्यारा भवन भी देखा जा सकता है। अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं माता रानी के भवन पर दर्शन करेंगे तो आपको वहाँ पर रोपवे की सुविधाएं भी पूर्ण रूप से मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ भक्तों को वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आप भक्तों को वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना सपोर्ट दिखाना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे कि यात्रा से जुड़ी ऐसी तमाम जानकारी आप रोजाना प्राप्त करते रहें और माता रानी का ये चैनल यूं ही आगे बढ़ता रहे आप सभी भक्तों के सहयोग से। अगर आप चाहते हैं श्री माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी रोजाना ताजा तस्वीरें और वीडियो रूपी दर्शन प्राप्त करना तो आप हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही आपकी स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।